मैडम खुद कितनी परेशान हो गई, देखा कैसे बेवकूफ मनाया मैंने। कितनी तेज हो ना सहर, तोपा देख ले बेटा, अब मानती है ना मुझे। तेज तो वाकई बहुत है यार। यार तू मेरा मसला हल करता, तू तो शहजादी है। वैसे कैसी जबरदस्त स्टोरी बनाई ना मैंने, उनका तो मुंह खोला का खोला ही रह गया था। यार मेरा फोन वापस कर दे। पागल हो गई है क्या, इसी की स्नैचिंग की तो स्टोरी बनाई है। अगर मैडम ने तेरे साथ ही फोन देख लिया ना, तो तेरे साथ साथ मैं भी जाऊंगी काम से। ते हुन फिर की करांगे यार, फोन तो बगैर गुजारा थोड़ी हुंदा है। मैं एक काम करती हूँ, तुझे ना मैं अपना दूसरा फोन दे देती हूँ, उसमें अपनी सिम डाले और ये वाला फोन हम कल जाकर बेच आता है, कैसा? चल मैं भी ठीक है, लेकिन एक मसला और भी है, और डेटा तक ही करेंगे, फोन च मेरा बहुत ज्यादा डेटा है। तो वो दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना ना पागल। चल ठीक है तू कर दे यार, ऐसे खपाई नहीं होनी मेरे को। है ये ले, हम ना चलकर सोनिया को सारी स्टोरी बनाते हो, खुश हो जाएगी वो। चलो तू ही टंडोरा पिटो। चल 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 चल, कोई हाल नहीं, जवाद नु फोन करनी है, यदि वजह तो है सारा कुछ। हेलो जवाद, पता है अल्लाह अल्लाह करके बचत हुई है आज, मर जाना था आज, वरना आज के बाद ना मैंने तुम्हारे फ्लैट पे कभी नहीं रुकना, स्यापा डल गया था मेरी जान को। क्या बात है भाई, फिर से ये बैंडेज वगैरह, सब खैरियत तो है? कुछ नहीं यार, माहा कह रही थी जो ड्रामा कीता है तो उन्हें पूरा भी करो। और क्या लेक्चर दे रही थी तुम्हें माहा? कुछ भी नहीं, समझान दे सी मेनू। क्यों समझा रही थी, तुम कोई बच्ची हो ना समझ हो? इस गल दा मतलब तो नहीं सी उंज। तो क्या मतलब है बताओगी जरा तुम मुझे? माहा ना पहला वजह अपनी अकल झाड़ने की कोशिश करती रहती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसी देसी लड़कियां। उन तो बिला वजह तो नफरत कर रही है, उन मैं की कहूं तेनु। वाह दोस्त, तुम मेरी हो और सपोर्ट तुम उस माहा को कर रही हो। ऐसी भी कोई गल नहीं है उन। तो तुम खुद बताओ, तुम एक आजाद इंसान हो, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती? फ्रीडम का मतलब भूल गई तुम? ऐसी भी कोई गल नहीं है उन। खैर छोड़ो ये सब, ये बताओ कि वो मैडम को शिकायत तो नहीं करेगी अब? नहीं यार, वो बहुत चंगी कुड़ी है, तेनू पता है उन्हें मेरा फोन भी वापस करता। फिर वही देसी हरकत, माहा ना बहुत अजीम बनने की कोशिश करती रहती है। ऐ ना भुलिया कर कि ओदी वजह तो बचे हैं सी, तू तो पता नहीं की है। इसे क्या हुआ? और तुम वार्डन की मजबूरी भी तो समझो, उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यार, और वो आंसरेबल है हमारे पेरेंट्स को लेके। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, वार्डन आके क्या जवाब दे दी तुम्हारे पेरेंट्स को? हमारे वालदेन ने हमें बहुत भरोसा करके यहाँ पर भेजा है, प्लीज ऐसे उनका भरोसा मत तोड़ो। और तुम्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अपने पेरेंट्स के सामने, क्राइम छुपाने से नहीं छुपता,